आज की हमारी वीडियो है बिलासपुर कॉलेजेस का 7th पार्ट, गवर्नमेंट जेपी वर्मा कॉलेज जिसे एसबीआर कॉलेज भी कहा जाता है। तो आज हम इसी कॉलेज की डिटेल्स शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपके साथ कॉलेज एडमिशन की डिटेल शेयर की है और साथ ही सीएमडी कॉलेज के कोर्सेज की भी डिटेल शेयर की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप उसे जाकर जरूर देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। हमारा पहला पॉइंट है जेपी वर्मा कॉलेज कौन से टाइप का कॉलेज है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका यूनिवर्सिटी है अटल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन प्रोसेस। अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अटल यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन होने वाला है, वहाँ से फॉर्म सबमिट कीजिएगा। तो उसके बाद कॉलेज के ऑप्शन में आपको इसका नाम मिल जाएगा, आप वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो फिर आप डायरेक्ट वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। अब देखते हैं यहाँ के कोर्स सीट और फीस स्ट्रक्चर। हमारा पहला कोर्स है बीए, जिसमें आपको राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी या फिर इंग्लिश साहित्य, समाजशास्त्र, इतिहास या संस्कृत साहित्य और भूगोल, ये 6 ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद है एमए की कोर्सेज, जिसमें आप अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, भूगोल सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, ये 7 ऑप्शन मिलते हैं। आप इनमें से किसी भी में मास्टर डिग्री ले सकते हैं। इसके बाद आप यहां से बीकॉम भी कर सकते हैं, यहां कॉमर्स में मास्टर डिग्री भी अवेलेबल है। अब देखते हैं साइंस वालों के लिए कोर्सेज, तो यहां पर बीएससी बायोलॉजी अवेलेबल है, बीएससी मैथ्स भी अवेलेबल है। मैथ्स सब्जेक्ट वालों के लिए यहाँ बीएससी कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है, जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। इसके साथ ही बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अवेलेबल है, ये भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। इसके बाद है बायो सब्जेक्ट वालों के लिए बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, जो कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। इसके बाद है पत्रकारिता, ये भी कोर्स अवेलेबल है इस कॉलेज में। अब हम देखते हैं यहाँ का फीस स्ट्रक्चर। तो कुछ कोर्सेज हैं जो कि यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा रन कराई जाती है, जिसका फीस बहुत कम लगता है, उसको यहाँ पर नहीं दिखाया गया है क्योंकि साइट में अवेलेबल नहीं था। तो हम देख रहे हैं यहाँ के सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज। तो पहला है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आपको 3 साल में 8,000 देने होंगे। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस, इसका भी फीस पर ईयर 8,000 है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका पर ईयर फीस है 5,000। इसके बाद है बीबीए, इसका फीस 10,000 है पर ईयर। इसके बाद है पीजीडीसीए, जिसका एनुअल फीस है 10,000। फिर है जियोग्राफी एमए, जिसका पर ईयर फीस है 3,000। इसके बाद है पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड बीजी एमसी, इसका पर ईयर फीस है 6,000। इसके बाद है आउट ऑफ सीजी वाले स्टूडेंट के लिए नोट, अगर आप जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, आप सीजी से बाहर के रहने वाले हैं, तो आपको 5,000 एडिशनल फीस देना पड़ेगा। इसके बाद है एडिशनल कोर्सेज, जिसमें पहला है फंक्शनल इंग्लिश, जिसके सर्टिफिकेट कोर्स के लिए लगेगा 3,000, डिप्लोमा कोर्स के लिए लगेगा 3,500, एडवांस डिप्लोमा कोर्स के लिए 4,000। फिर है टूरिज्म, टूरिज्म सर्टिफिकेट के लिए 5,000, डिप्लोमा कोर्स के लिए 6,000, एडवांस डिप्लोमा कोर्स के लिए 7,000। इसके बाद है टेलीविज़न एंड वीडियो प्रोडक्शन, इसका सर्टिफिकेट है 5,000 का, डिप्लोमा कोर्स है 6,000 का, एडवांस डिप्लोमा कोर्स है 8,000 का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो याद से लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। Thank you.